नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज एक बहुत ही कमाल का वीडियो वेबसाइट लेकर आए हैं आपके लिए। जैसा कि आपने सुना होगा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कितना कुछ कर सकता है, आज इसका जीता जागता उदाहरण आपको दिया जाएगा। और ये जो वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप दोस्तों इस पर अकाउंट बनाइए, चैट GPT करके ये जो वेबसाइट है, आप ईमेल आईडी के थ्रू भी इस पर लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों ये कर क्या सकता है ये बताना बहुत ही ज़रूरी है आपको। दोस्तों यहाँ पर लिखना है जो आप चाहते हैं, जिसका आप क्वेश्चन ढूंढना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब दोस्तों खास बात यह है कि ये वेबसाइट, ये AI का टूल आपको जो आंसर कंप्यूटर के विषय में देने वाला है, यह आंसर आज से पहले इंटरनेट की दुनिया में कहीं भी रिपीटेटिव नहीं होगा, कहीं भी इसका हम कह सकते हैं कॉपीराइट नहीं हो सकता है। प्लेजरिज्म की बात करें, अगर उसको भी आप चेक करेंगे तो यह डेटा वहाँ भी आपको ज़ीरो मिलेगा। आप किसी भी वेबसाइट पर जाके ये पता कर सकते हैं। हम एंटर करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। ये देखिए कंप्यूटर के बारे में ये लिखना शुरू करेगा। ए कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क बाय प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड कैरिंग आउट इंस्ट्रक्शंस। दोस्तों खास बात यह है कि ये जो लिख रहा है इस सेंटेंस मेकिंग में, इसका अर्थ तो सेम ही निकलता है हर बार, लेकिन ये सेंटेंस मेकिंग आपको दोबारा देखने नहीं मिलेगी। देखिए मैं रीजनरेट करके दिखाता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। हम फिर से सुनना देखना चाहते हैं तो देखिए ये कंप्यूटर के बारे में लिख कर देगा। इस बार ये उस प्रोसेस को बदल देगा, चेंज कर देगा। ये देखिए ये यहाँ पर इसने बनाकर लिख दिया है। अब दोस्तों खास बात यह है कि आप इसको उठाकर इस आंसर को कहीं भी लिख सकते हैं, ये जेन्युइन आंसर है, बिल्कुल फुल प्रूफ आंसर है। ये देखिए इस बार इसने इसकी परिभाषा को बदल दिया है और थोड़ा बड़ा लिख दिया है और एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है कंप्यूटर का है। अब मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप जो है दोस्तों इस पर हम कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करके जितने भी पॉसिबल आंसर्स हैं आप यहाँ पे सभी ले सकते हैं, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर इसको ना आता हो। ये देखिए आपको आंसर लिखकर दे रहा है ये। दूसरी बात, ये काम कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म हम आपको बता देते हैं। दोस्तों ये इंटरनेट की मदद से इंटरनेट पर सारे आंसर्स को पहले ढूंढता है, देखता है, और आपको आंसर लिखने से पहले इंटरनेट पर यह पता कर लेता है कि उस आंसर को किस तरीके से लिखा गया है, किस तरीके से यूज़ किया गया है, और फिर उसकी एक नई कॉपी बनाकर आपको देता है। और आप यहां पर आसानी से दोस्तों उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आप कोई वेबसाइट ब्लॉग बनाते हैं, कोई पढ़ाई का कंटेंट बना रहे हैं, आप चाहते हैं कॉपीराइट कंटेंट हो, तो आप टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखिए। देखिए कितना अच्छा लिख के दिया है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, सर्वर, सुपर कंप्यूटर, ये सारा कुछ आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्रीली जेन्युइन सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों इसकी खास बात आती है, मैं आपको हिंदी में लिख के बताता हूँ। जैसे ही हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर क्या है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा, अब ये आपको हिंदी में आंसर देना शुरू करेगा। ये देखिए स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है, क्योंकि जो फॉन्ट होता है हिंदी का, उसको समझने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में थोड़ा सा एल्गोरिथम टाइम लेती है। कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा का प्रसंस्करण करके विभिन्न अवसरों पर काम कर सकता है। इसमें जैसे ही है गणना, डेटा स्टोरेज, आप देख सकते हैं दोस्तों ये प्रॉपर आपको आंसर लिख कर दे रहा है। आपको आंसर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस यहाँ से पढ़िए, याद कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए। आप जहाँ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं इसका इस्तेमाल जेन्युइनली फ्रीली आराम से आप कर सकते हैं, और ये हर बार आपको नया आंसर बना कर देगा। इस वेबसाइट पे इस्तेमाल होने वाला आंसर अगली बार यहाँ पर टाइप नहीं होता है, ये इस AI की खूबसूरती है। ये चैट GPT करके जो वेबसाइट बनाई गई है दोस्तों, ये बिल्कुल ताज़ा है, लगभग एक महीना आज इसको हो गया है। 28 नवंबर के आसपास इसको प्रोसेस किया गया था। बड़ी से बड़ी कंपनियां, बड़े से बड़े मैनेजमेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। आप भी यूज़ कीजिए दोस्तों,
ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो में आप बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं रिसर्च करने वालों को, स्टूडेंट्स को, जो भी लोग जनरली काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको टेक्निकल फील्ड में बताऊं, देखिए ये इसने आंसर पूरा कर दिया है। अगर दोस्तों आप लिखना चाहते हैं कोई भी प्रोग्राम, आप मान लीजिए सी का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ, राइट अ सी प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इन सी। सी लैंग्वेज में हम दो नंबरों को जोड़ना चाहते हैं, ये देखिए आपको प्रॉपर प्रोग्राम बनाकर दिखाएगा और कितना खूबसूरत हो सकता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं इसका। कितनी आसानी के साथ ये दो नंबरों को देखिए ऐड करके, ये टू रन दिस प्रोग्राम यू वुड नीड टू सेव इट, आपको फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, इतना कुछ बता रहा है। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, यहाँ देखिए आपको ऑप्शन देता है कॉपी करने का, इस कोड को कॉपी करिए और आप अपने जो भी आईडी पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं और रन करा सकते हैं। देखिए दो वेरिएबल्स लिए गए हैं, एक और लिया गया है सम करने के लिए, यूज़र से दो वैल्यू ली जाएंगी, वो यहाँ आएंगी, सम के अंदर स्टोर हो जाएंगी और सम को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों प्रोग्राम भी नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ यहाँ लिखना था कि दो नंबरों को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है और इस आसानी के साथ इसने जो है यहाँ पर प्रोग्राम बनाकर दे दिया है। तो आप जिस भी फील्ड से बिलोंग करते हैं उस फील्ड के क्वेश्चंस यहाँ पर पुट कीजिए, शूट कीजिए, आंसर लीजिए और अपनी स्टडी को जारी रखिए। इसी तरीके से ये वेबसाइट आपको पसंद आएगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसको शेयर कीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।